दोस्तों देख सकते हैं हमारे कुछ फैमिली मेंबर यहाँ पर आए हैं तुमको। बाय। तो आपको 40 का पड़ेगा। जी क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12340 धनबाद हावड़ा कोल्डफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना धनबाद जंक्शन से 5:50 में रवाना होती है हावड़ा जंक्शन के लिए। और ये ट्रेन उसी दिन सुबह के 10:30 हावड़ा जंक्शन पहुँचाती है। और दोस्तों आज मैं सफ़र करने वाला हूँ इस ट्रेन में D3 कोच में, और आपका भाई का सीट नंबर है 38 और 39। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में। दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं अभी मैं पहुंच चुका हूं D3 के कोच में, और इसी में आज आपका भाई सफ़र करने वाला है धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन में D3 के कोच में। तो चलिए चलते हैं अपने सीट नंबर पर। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा सीट है 39 और 38। अभी ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 38 और 39। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है 38 और 39, शायद ये मेरा ही सीट होगा। तो देखिए जैसा कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है करीब 1.5-2 घंटा पहले से, और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि ये ट्रेन को किस लोकोमोटिव इंजन के साथ चलाया जाता है। शायद Web 7 लोकोमोटिव इंजन ही लगा हुआ है धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा मुझे आप लोगों को लोकोमोटिव इंजन दिखाने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गंगा दामोदर एक्सप्रेस पटना धनबाद कुछ ही समय में 2 पर आ रही है। May I have your attention, please? देख सकते हैं दोस्तों धनबाद जंक्शन का ये बोर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। पूरा ये Web 7 लोकोमोटिव इंजन है, और इसी के साथ धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाता है। देखिए आप लोग Web 7 लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग किया जा रहा है धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन में। दोस्तों हमारी ट्रेन खुलने में अभी 20 मिनट का समय है, और दोस्तों तब तक मैं आप लोग को इस ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन को 18 कोच के साथ चलाया जाता है, और इसमें 4 नॉन एसी चेयर कार और 2 चेयर कार के कोच लगे हुए हैं। और दोस्तों ये ट्रेन टोटल 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 4.5 घंटे में। तो चलिए चलते हैं, अब ट्रेन का टाइम होने वाला है और धनबाद जंक्शन से रवाना होगी। दोस्तों फाइनली ऑन टाइम धनबाद जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। पाँच बजकर 50 मिनट में रवाना हुई है धनबाद जंक्शन से हमारे ट्रेन। दोस्तों धनबाद जंक्शन देखिए, बाय बाय धनबाद, मिलते हैं कुछ दिनों में। दोस्तों फाइनली मिलते हैं धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन के पहले होल्ट पर। तो चलिए उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज कहां पर है। हेलो दोस्तों, फिलहाल मैं हूं अभी धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन के वॉशरूम में,
और दोस्तों मेरे सामने देख सकते हैं आप लोग, ये मिरर लगा हुआ है। इस मिरर का हाल देखिए दोस्तों, ये कितना गंदा है। धनबाद हावड़ा कोल्डफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन का मिरर लगता है इसे बहुत दिन से साफ ही नहीं किया गया है। और दोस्तों चलिए देखते हैं कि बेसिंग में पानी आ रहा है कि नहीं। ठीक ही है दोस्तों, बेसिंग में पानी आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए आप लोग मिरर का क्या हाल है। शायद इसे धनबाद जंक्शन पे इतनी देर ट्रेन खड़ी रहती है फिर भी इसे साफ नहीं किया जाता है। और दोस्तों देखिए ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर हैंगर है, यहाँ पे आप कुछ सामान टांग सकते हैं। और बाकी देखिए आप लोग वॉशरूम का हाल, मैं आप लोग को नीचे नहीं दिखाने वाला हूँ। देखिए आप लोग वॉशरूम का हाल देखिए, धनबाद हावड़ा कोल्डफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन में नीचे सारा कुछ साफ है लेकिन ये जो मिरर है वही काफी गंदा है, तो इसे साफ करना चाहिए क्योंकि ट्रेन यहाँ एक दो घंटे पहले ही लग जाती है। तो लगभग 38 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला होल्ट कुमारडुबी जंक्शन। कुमारडुबी रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका कोड है KKME और रोज़ाना यहां पर 31 ट्रेनें आकर रुकती है। और कुमारडुबी रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या 2 है। दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन का 1 मिनट का ही होल्ट है, दोस्तों समझ सकते हैं 1 मिनट का होल्ट है इस ट्रेन का। यहाँ पर धनबाद हावड़ा कोल्डफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन का कुमारडुबी रेलवे स्टेशन में 1 मिनट का ही होल्ट है, तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेन में। दोस्तों देख सकते हैं हमारे कुछ फैमिली मेंबर यहाँ पर आए हैं हमसे मिलने के लिए। ये लोग हमारा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो ये लोग देखिए अभी सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। JS10 फैक्ट्स सर्च करिए भाई लोग आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर भी करिएगा। JS10 फैक्ट्स FACTS FACTS। हाँ मिली है। ठीक है चलो भाई, कल वीडियो अपलोड होगा, देखना वीडियो और शेयर करना आप लोग। धनबाद से हूँ। चाय लेते हैं दोस्तों। देखिए और लगभग 41 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा होल्ट बराकर रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है BRR। और यहां पर इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का होल्ट है। और बराकर रेलवे स्टेशन में रोजाना करीब 32 ट्रेनें आकर रुकती है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले स्टॉप पर।
दोस्तों फाइनली 44 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा होल्ट कुल्टी रेलवे स्टेशन। कुल्टी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कुल्टी रेलवे स्टेशन का कोड है ULT और कुल्टी रेलवे स्टेशन में रोजाना करीब 32 ट्रेनें आकर रुकती है और कुल्टी रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या है 3। तो चलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का ही होल्ट है ट्रेन का। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन कुल्टी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और दोस्तों अब आने वाला है सीतारामपुर रेलवे स्टेशन जो इसका चौथा होल्ट होगा। दोस्तों फाइनली 49 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करके अब इस ट्रेन का चौथा होल्ट सीतारामपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं जिसका कोड है STN। और दोस्तों सीतारामपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर प्लेटफॉर्म 5 है और यहां पर रोजाना करीब 30 ट्रेनें आकर रुकती है। तो वो लाइन जो देख रहे हैं आप लोग वो चली जाती है झाझा क्यूल से होते हुए पटना की तरफ, वो लाइन उस लाइन से झाझा क्यूल होते हुए पटना की तरफ चले जाएंगे आप। सीतारामपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ से ट्रेन को चेंज करके आप पटना की तरफ भी जा सकते हैं, मधुपुर होते हुए जा सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन सीतारामपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। फाइनली दोस्तों 58 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन। आसनसोल रेलवे स्टेशन का कोड है ASN। और दोस्तों आसनसोल रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां प्लेटफॉर्मों की संख्या है 7 और रोजाना करीब यहां पर 183 ट्रेन आकर रुकती है। और दोस्तों आसनसोल रेलवे स्टेशन से 44 ट्रेन ओरिजिनेट और 44 ट्रेन
टर्मिनेट होती है और यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का होल्ट है। दोस्तों देखिए, ये मेरा भाई है, यहाँ पर आसनसोल रेलवे स्टेशन में ही रहता है। हाय कर दो। कितना दाम इसका? 10 रुपया। 10 रुपया लिया है, ये दिया गया है भाई के द्वारा। दोस्तों देखिए, मेरा भाई क्या क्या लेके आ गया खाने के लिए। ये चिप्स और क्या है, बिस्कुट है ना ये। तो चलो, अब तुमको बाय करने का वक्त आ गया है, मिलते हैं तुमको। बाय। दोस्तों फाइनली 7:03 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है आसनसोल रेलवे स्टेशन से। भाई को अभी देखिए, भाई वहाँ पे है, भाई बाय कर रहा है। आ भाई, 7:03 में ऑन टाइम आसनसोल रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। बाय बाय आसनसोल, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दोस्तों फाइनली 76 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं रानीगंज रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है RNG। और रानीगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में। और रानीगंज रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 4 है। और रानीगंज रेलवे स्टेशन में रोजाना करीब 64 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेन का सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही होल्ट है। दोस्तों ऑन टाइम रानीगंज रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से।
तो दोस्तों फाइनली 83 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद अब हम लोग इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट आ चुके हैं अंडाल रेलवे स्टेशन। अंडाल रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट हॉल्ट है और अंडाल रेलवे स्टेशन का है कोड है UDL और अंडाल रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है और रोजाना करीब यहाँ पर 61 ट्रेनें आकर रुकती है अंडाल रेलवे स्टेशन में। और अंडाल रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या 6 है और यहाँ से दूसरी लाइन जाती है रामपुर हाट की तरफ अंडाल रेलवे स्टेशन से। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में। दोस्तों देखिए अगर आप ये केक लीजिएगा तो आपको 40 का पड़ेगा और वो जो बिस्कुट रखा हुआ है वो कितने का? 20 रुपये। दोस्तों देखिए हमारी दूसरी तरफ जा रही है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। रेस देखिए धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का। यालदा राजधानी दोस्तों देखिए खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का, एक बड़ा सा पहाड़ आपको नजर आएगा, सिर्फ चारों तरफ हरा और हरा ही नजर आएगा। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां होल्ट वारिया रेलवे स्टेशन। वारिया की बात करें तो यहां पर रोजाना करीब 35 ट्रेन आकर रुकती है और वारिया रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या 4 है और दोस्तों इस ट्रेन का यहां पर सिर्फ 1 मिनट का होल्ट है और वारिया रेलवे स्टेशन का कोड है OYR। और वारिया रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में और ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है और दोस्तों 1 मिनट रुकने के बाद वारिया रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है ऑन टाइम। देख सकते हैं दोस्तों उधर कुछ फैक्ट्री दिख रहा है आपको, शायद कोल माइंस का फैक्ट्री है वारिया में। इसके बाद इस ट्रेन का स्टॉप आएगा दुर्गापुर।
दोस्तों मिलते हैं अगले रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों देखिए वहाँ पे बस स्टैंड है जस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में। दोस्तों फाइनली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 9वां होल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है DGR। और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ रोजाना करीब 150 ट्रेनें आकर रुकती है और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 5। और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में। दोस्तों हमारी ट्रेन ऑन टाइम दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। देख सकते हैं दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन कितना साफ सुथरा नजर आएगा दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। तो लगभग 116 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद अब हम लोग इस ट्रेन का 10वां होल्ट पानागढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जिसका कोड है PAN। और पानागढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 4 है और पानागढ़ रेलवे स्टेशन में रोजाना करीब 45 से ज़्यादा ट्रेनें रुकती है। और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का ही होल्ट है धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन का। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में। दोस्तों पानागढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर रोजाना करीब 45 ट्रेनें आकर रुकती है और हमारी ट्रेन पानागढ़ रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है। और पानागढ़ रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में। दोस्तों हमारी ट्रेन धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन 10 मिनट डिले चल रही है अभी।
प्लेटफॉर्म अच्छा चट है ना 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 मान कर दोस्तों 126 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 11वां होल्ट मानकर रेलवे स्टेशन। मानकर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका कोड है MNEA और मानकर रेल्वे स्टेशन में इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और मानकर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या 4 है। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन मानकर रेलवे स्टेशन से निकल रही है और खाना रेलवे स्टेशन पर बहुत देर से रुकी हुई, लगभग 1-2 मिनट हो गया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है, शायद कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है। फाइनली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को पार करवाने के लिए धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन को खाना जंक्शन पे रोक दिया गया था। वर्धमान में तो नहीं रुकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वर्धमान रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अब ट्रेन का तो स्टॉपेज नहीं है, इसीलिए ट्रेन स्लो हो गई है। और भीड़ देखिए वर्धमान रेलवे स्टेशन में।
तो फाइनली हमारी ट्रेन लीलुआ पहुंच चुकी है। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन धनबाद हावड़ा कोल्डफील्ड एक्सप्रेस ट्रेन लीलुआ पहुंच चुकी है लीलुआ वर्कशॉप। और दोस्तों यहां पर हमारी ट्रेन एक मिनट रुकेगी, उसके बाद हावड़ा जंक्शन पे रुकेगी। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है लीलुआ रेलवे स्टेशन से।
दोस्तों फाइनली लगभग 260 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है HWH और यहां पर इस ट्रेन का आखिरी होल्ट है। दोस्तों हम लोग फाइनली हावड़ा जंक्शन पहुंच चुके हैं और हावड़ा जंक्शन की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और रोज़ाना करीब यहाँ से 5 लाख लोग सफ़र करते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन की। और हावड़ा रेलवे स्टेशन से रोज़ाना करीब 350 से भी ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। दोस्तों हावड़ा जंक्शन की बात करें तो यहां से रोज़ाना करीब 102 ट्रेनें ओरिजिनेटिंग होती है और रोज़ाना करीब 103 ट्रेनें टर्मिनेटिंग होती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।